मैग्नेटिक फील्ड ऑप ए मूविंग चार्ज इस सेगमेंट के अंदर हम ये बात करेंगे कि एक जो मूविंग चार्ज है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कैसा करेगा उस पर बात करें मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज हमारे पास वी स्पीड से चल रहा है ठीक है ये क्यू चार्ज वी स्पीड से चल रहा है और यहाँ पर मैं एक जनरल पॉइंट की बात कर लेता हूँ ये यह यहां से आर डिस्टेंस पे एक जनरल पॉइंट पी ले लेते हैं अब हम बात कर रहे हैं ये पी पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर के साथ इसका पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो ये जो मूविंग चार्ज है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इसके रिगार्डिंग कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि इस मूविंग चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इट वॉज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वड एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली परपोर्सनल टू द वैलोसिटी एज वेल एज साइन थीटा वे थीटा इज द एंगल बिटवीन वैलोसिटी वैक्टर एंड पोजिशन वैक्टर ठीक है एंड इट इज इन्वर्सली परपोर्सनल टू स्क्वायर ऑफ द पोजिशन वैक्टर ठीक है तो इन सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मैं ये एक कम्बाइंड स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली परपोर्सनल टू क्यू वी साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायेर और यहाँ पे जो प्रपोर्सनलिटी कांस्टेंट आएगा उसे मैं लिखता हूँ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई मैं वैक्यूम के अंदर बात कर रहा हूँ वैक्यूम है तो मैं इसे म्यू नॉट लिख रहा हूँ वैक्यूम नहीं होगा तो म्यू लिखूंगा ठीक है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वा ये हमारे पास एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ये जो अपन म्यूनोट बोल रहे हैं ये हमारे पास रहेगा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम ठीक है अच्छा ये परमेबिलिटी क्या होती है ये बेसिकली मीडियम या मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का अपोज करती है कहीं ना कहीं ठीक है इसके बारे में अपन डिटेल से एक चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म वाला उसमें अपन डिटेल में बात करेंगे जहाँ पे मीडियम की और भी प्रॉपर्टीज होगी मैग्नेटिक फील्ड से रिगार्डिंग उन सबको डिटेल में बात करेंगे अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है ठीक है वैक्यूम के लिए मैंने लिख दिया म्यू नॉट मीडियम होता तो ओनली म्यू लिखता बराबर है और ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया मैथामेटिक अच्छा यदि वैक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आपको पता है डायरेक्शन वाइज यदि मैं बात करनी तो पी पे मुझे डायरेक्शन पता है अच्छा पी पे डायरेक्शन कैसे लिख सकता हूँ ये सोचो कि क्यू चार्ज इधर जा रहा है तो मैं कहीं ना कहीं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल करंट कैरिंग वायर मान लो ऐसा और इस वायर के जैसे डायरेक्शन जब आप राइट एंड थम रूल लगाएंगे तो पी पे किधर जाएगी अंदर की तरफ अब अंदर के डायरेक्शन को हमारे दो गिवन वैक्टर कौन से दो वैक्टर वी वैक्टर और आर वैक्टर के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं क्योंकि ये जो अंदर की तरफ डायरेक्शन जा रही है ये V और R दोनों के परपेंडिकुलर है और दोनों के परपेंडिकुलर तभी आता है जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें अब बस ये देखना है कि R क्रॉस V लिखना चाहिए कि V क्रॉस R अब राइट एंड थम रूल लगा के देखो जब आप V क्रॉस R करोगे तो थम अंदर जाएगा और R क्रॉस V करोगे तो ऊपर उप, आएगा बाहर की तरफ तो यदि मुझे इसे वैक्टर फॉर्म में लिखना है तो वैक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ ये तो आ गई हमारे पास नूमेरिकल वैल्यू ठीक है सॉरी ये आगे न्यूमेरिकल वैल्यू और अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन तो डायरेक्शन जैसे मैं लिख लेता हूं बी कैप और बी कैप जो मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं आप लिख सकते हो कि बी कैप की के डायरेक्शन वही होगी जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वैक्टर की डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट किसका वी वैक्टर यदि मैं इसे लिख देता हूँ वी कैप क्रॉस बी कैप सॉरी आर कैप ठीक है क्योंकि v क्रॉस r करूँगा तो क्या आएगा ये आएगा मेरे पास v पहले वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू और साइन थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट से एक डायरेक्शन आएगी एन कैप ठीक है और ये डायरेक्शन वही होगी जो आप पास बी कैफ की होगी तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्शन की लिखना हो मुझे तो मैं बी कैप की जगह ऐसा भी लिख सकता हूँ देखो मी अपॉन फोर पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर बी कैप की जगह ऐसे लिख सकता हूँ ना वी कैप क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई साइन थीटा तो वही वेक्टर आएगा अभी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरे पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ देखते रहिए म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू ये वी अंदर ले जाऊँगा एक काम करता हूँ ऊपर से आर से मल्टीप्लाई कर देता तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ वी वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर और नीचे एक आर एक्स्ट्रा लाऊंगा तो क्या बन जाएगा आर क्यूब ये वैक्टर फॉर्म में आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज ठीक है तो मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं अच्छा इस बात का ध्यान रखना ये जो आर वैक्टर ले रहे हैं ना ये बेसिकली पोजिशन वैक्टर होगा उस पॉइंट का जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग चार्ज ठीक है और वी वैक्टर को लेके तो कुछ डाउट होगा भी नहीं आर वाला कई बार डाउट हो जाता है ठीक है और थीटा आर और वी के बीच का एंगल होगा बराबर है अच्छा थीटा की वैल्यू जीरो या वन एटी हो गई तो यहाँ चेक करके कर देखो यदि मैं बात कर रहा हूँ थीटा की वैल्यू जीरो ले लूँ या वन एटी ले लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा अरे साइन थीटा साइन जीरो और वन एटी दोनों पे जीरो होता है अच्छा इस बात का क्या मतलब हो जीरो और वन एटी कब कहाँ आएंगे इसी लाइन पर आएंगे इसी लाइन को यदि मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ यानी कि वेलोसिटी वाले लाइन पे चाहे पॉइंट इधर हो चाहे इधर वेलोसिटी वाले लाइन पे कहीं भी यदि पॉइंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज की वजह से जीरो होगा इसके अलावा बाकी हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और गिवन डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा फॉर थीटा इज टू 90 डिग्री यानी कि जब आपस आर वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वी के तब गिवन वैल्यूज के लिए मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना तो ये है हमारे पास स्टोरी मूविंग चार्ज की से मैग्नेटिक फील्ड की